सर इमाम साहब जो साहेब मुखिया के नाम से जाने पहचाने जाते हैं, हमारे बिहार की आन बान शान माननीय जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के राइट हैंड समझे जाते हैं, जनाब मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब और डॉक्टर फराज फातमी साहब के बिल्कुल करीबी समझे जाते हैं। हमारे हमने जनाब डॉक्टर फराज फातमी साहब से प्राइवेट में रिक्वेस्ट किया है कि जो प्यार मोहब्बत आप ड्यूटी क्षेत्र वालों को देते हैं वही प्यार मोहब्बत आप 40 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दीजिए। अगर समय पड़ेगा तो जाले के लोग भी वफादार है, जाले के लोग भी नमक हराम नहीं है। अगर जाले वालों से हर सुख दुख में हर दुख दर्द में आप काम आते रहेंगे, वक्त आएगा तो जिस तरह आपको दार्टी वालों ने, हनुमान नगर वालों ने और दूसरे दरभंगा जिला के 18% के लोगों ने इज्जत मोहब्बत और प्यार और सम्मान दिया है, हमारा जाने के लोग भी किसी से पीछे नहीं रहेगा। जनाब मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब हमारे बीच आज नहीं आ सके हैं, मगर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना जानशीन, अपना कायम मकाम, अपना प्रतिनिधि, अपना बेटा, अपना नुमाइंदा जो युवा हृदय सम्राट कहलाते हैं, नौजवानों के दिलों जो धड़कन कहलाते हैं, जिनकी तालीमी माशी खिदमत देखने के बाद, जिनकी समाज सेवा की झलक देखने के बाद अंदाजा होता है कि वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये अली अशरफ फातमी साहब ने पूरे दुनिया में जितना नाम कमाया है एक वक्त आएगा तो जनाब डॉक्टर फराज फातमी साहब भी उनसे किसी माने में कम नहीं रहेंगे। आज भी जनाब नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जब बिहार के किसी सीरियस मैटर पर राय मशवरा करना पड़ता है तो जनाब डॉक्टर फराज फातमी को भी अपने कोर कमेटी में वो तलब करते हैं और इनसे भी राय मशवरा लिया करते हैं। बिहार में चुनाव हुआ जैसा हुआ नहीं हुआ उससे हमको चर्चा नहीं करना है, मगर हमको एक बात कहना है कि पूरे बिहार में अगर किसी के पराजित होने का सबसे ज्यादा हमको अफसोस है तो वो शख्सियत जनाब डॉक्टर फराज फातमी साहब की है। अगर हम लोगों ने थोड़ा सूझबूझ और अकल शऊर से काम लिया होता और इनको दरभंगा ग्रामीण से जिताकर भेजे होते तो आज बिहार के कई जिम्मेदाराना कलमदान इनके मंत्रालय में होते और ये मिनिस्टर बनकर के ज्यादा खिदमत कर सकते। मंत्री नहीं है फिर भी हमारे कमतौल के बगल पल्हा में इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए 100 करोड़ की लागत से एक हॉस्टल पास करवाया है। मानू में रीजनल सेंटर मानू चंदन पट्टी में इन्होंने दोनों बाप बेटे जनाब फातमी साहेबान ने अपने कोशिशों से 100 करोड़ रुपया दो बार अल्पसंख्यकों के तालीमी तरक्की के लिए हासिल किया है और दिन रात वहाँ काम लगा हुआ है। 1000 या 1200 एकड़ जमीन में फैला हुआ मानू का रीजनल सेंटर देखिएगा तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। और मैं यहाँ पर सियासी गुफ्तगु नहीं करना चाहता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ आने वाले तमाम लोगों का कि आप लोग जो है एक आवाज सुन करके उर्दू के नाम पर, हुब्बुल वतनी के नाम पर, हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर, गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर आप सब लोग आए हैं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे जावेद इकबाल साहब, जनाब आमिर इकबाल साहब, सादिक आरजू साहब और दूसरे जो भी जिम्मेदार एक्टिव मैनेजमेंट के लोग हैं सबकी जानिब से मैं चाहता हूं कि एक बार आप जोरदार तालियां बुलंद कीजिए महफिल से। जी अच्छा उधर वाले सोच रहे हैं कि इधर वाले ठीक फंसे हुए हैं, काम चल रहा है। एक बार हम चाहेंगे कि पूरे सभा से, पूरे मजमे से, तमाम ऑडियंस और श्रोता वृंद की जानिब से एक जोरदार ताली हो जाए, एक जोरदार ताली आप लोग बुलंद कीजिए। अब मैं आज के खास मेहमान जनाब डॉक्टर फराज फातमी साहब, जनाब डॉक्टर फराज फातमी साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ, मदऊ कर रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ कि वो दो चार मिनट के अंदर अपने जज्बात और ख्याल का इजहार करें। सदर आज के इस ऑल इंडिया मुशायरा के रोहे नवाब इस मंच पे मौजूद मेरे साथ चल रहे
इस जाले विधानसभा के कद्दावर और साबिक एमएलए मेरे गार्जियन श्री रामनिवास प्रसाद जी, स्टेज पे मौजूद साहेब मुखिया जी, मेरे साथ चल रहे पवन सिंह जी, हमारे गार्जियन श्री लाडले साहब, सुल्तान शमसी साहब, कैप्टन अर्शी साहब, आरजू साहब, और जो यहाँ ग्रामीण हमारे सामने मौजूद हैं, नौजवान साथी, माता एवं बहनों, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से जनाब अर्शी साहब का, आरजू साहब का और मुजक्किर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस फंक्शन में बुलाने का काम किया। मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि ये अदब की जगह है और कुछ ही देर में शोरा इकराम यहाँ स्टेज पे मौजूद रहेंगे, लेकिन मैं अपनी बात चंद मिनटों में अपनी बात को खत्म करूंगा। ये पहली बार मुझे मौका मिला है, मैं मुजक्किर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस फंक्शन में बुलाया। मैं आज ही दिल्ली से लौटा हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा इस स्टेज से, जो एक स्वागत और एक वेलकम का होता है, जो एक मोहब्बत आप लोगों ने दिखाई है, मैं तहे दिल से इसको हमेशा के लिए याद रखूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। आपको जान के खुशी होगी कि मेरा नाम फराज फातमी है, लेकिन ये जानते बहुत कम लोग हैं कि मेरा नाम भी मेरे वालिद मोहतरम ने, जो पाकिस्तान के मशहूर शायर थे अहमद फराज साहब, उन्हीं के नाम पे मेरा नाम रखा गया। समझ सकते हैं कितनी मोहब्बत और कितना अदब हम लोगों का इस मुशायरे से हो या शायर से हो, इन लोगों से अटैचमेंट है। आज उर्दू जबान सही माने में हिंदुस्तान हो या पूरी दुनिया में हो, वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है साथियों, और उसको अगर हमें जिंदा रखना है तो इस जैसे मुशायरा हो या मदरसा, अगर हम मजबूती से उसके लिए काम करें, उसको अगर हम जिंदा रखें, तो जरूर उर्दू जबान जिंदा हमेशा के लिए रहेगी। इतनी मीठी जबान है साथियों, मेरा मानना है। और हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कई सारे इल्म की कई सारे कॉन्फ्रेंस, कई सारे मीटिंग, कई सारी चीजें होती रहती है, लेकिन अगर हम किसी भी कम्युनिटी को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हिंदुस्तान में अगर हमें किसी भी इल्म को, अगर हम किसी भी कम्युनिटी को अगर हमें आगे ले जाना है, तो उसे इल्म से जोड़ना बहुत जरूरी है साथियों। इल्म एक बहुत बड़ी चीज है जो आज हमारे कम्युनिटी में कहीं ना कहीं हमें कमजोरी की है। अगर हम इल्म को अगर अपने कम्युनिटी से जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे वो आगे बढ़ेगा। आज एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज है। आज हमारे बच्चे कहीं ना कहीं हाई स्कूल से नीछे ही अपने पढ़ाई को छोड़ देते हैं साथियों, नौकरी भी लग जाते हैं क्योंकि मजबूरी है, लेकिन अगर इल्म को अगर हम उससे जोड़ेंगे तो जरूर उस पर तरक्की आएगी। चाहे आज स्कूल की बुनियादी हो, मैं ज्यादा स्टेज में आपको कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं जरूर शुक्रगुजार हूं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि आज उन्होंने कम से कम हर पंचायत के अंदर एक हाई स्कूल खुलवाने का काम किया। आज मदरसा के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा बिहार सरकार और नीतीश कुमार की बहुत बड़ी देन है साथियों। आज पाकिस्तान की घेराबंदी हो, सबसे ज्यादा अगर पैसा किसी ने देने का काम किया है तो श्री नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया है। ये बहुत बड़ी देन है साथियों, चाहे नेता किसी के साथ भी ना रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार जी ने हमेशा चाहा है कि अमन और चैन मोहब्बत इस बिहार के अंदर हमेशा कायम रहे, उस पे कोई कमी नहीं होगी। मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों, बिहार के अंदर आज इग्नू का सेंटर हो, मानव का रिलीजन सेंटर हो, एनआईएस का रिलीजन सेंटर हो, उसमें अगर किसी की देन है तो बिहार सरकार का सबसे बड़ा योगदान है साथियों। मानव के सेंटर के लिए साथियों मैं बताना चाहता हूं,
तकरीबन बिहार सरकार ने 20 करोड़ रुपए सिर्फ जमीन के परचेस के लिए देने का काम किया। ये किसकी किसकी देन है? आज कम से कम उस मानों के सेंटर से हमारे बच्चे चाहे इंजीनियर हो, चाहे पीएड की पढ़ाई हो, चाहे आईआई की पढ़ाई हो, चाहे पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हो, टेंथ प्लस टू की पढ़ाई हो, कम से कम आज बच्चे वहां से, हमारे गरीब बच्चे वहां से पढ़ के निकल रहे हैं। हजारों बच्चे उससे उसका फायदा उठा रहे हैं। साथियों, आज मदरसा के अंदर कंप्यूटर लगाने की बात हो, अंग्रेजी पढ़ाने की बात हो, साइंस पढ़ाने की बात हो, या देख सकते हैं कम से कम हमारे जो बच्चे हैं उससे अटैच हो रहे हैं। इसलिए दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम बहुत जरूरी है। साथियों, अगर वो आपके साथ रहेगी तो आगे आने वाले कल आने वाले नस्ल आपके साथ खड़ी होगी। साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमारे बच्चे यहां मौजूद हैं। आज हुनर का कार्यक्रम हो रहा है पूरे बिहार के अंदर। आज चाहे बच्चों को लोन देने की बात हो रही हो, आज चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों की पढ़ाई की बात हो, उसके लिए भी सरकार ने पूरा इंतजाम कर रखा है आपके लिए। साथियों, तो ये सरकार कभी भी भेदभाव नहीं करती है। वोट देने की बात छोड़ दीजिए, वोट देने की बात मत करते हैं। नीतीश जी ने कभी ये नहीं कहा कि आप हमें वोट दीजिए, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि सभी कम्युनिटी का एक साथ सम्मान इज्जत मुझे करना है जब तक मैं मुख्यमंत्री हूँ इस पद पर। आज बिहार आगे बढ़ रहा है। साथियों, सभी कम्युनिटी में जो जो मदद हो सकती है वो की जा रही है। मुझे आप बताइए साथियों, कोई भी ऐसा गांव है जहां सड़कें नहीं बनी हो, चाहे बिजली का काम नहीं हुआ हो, चाहे नाले का काम नहीं हुआ हो, तो क्या किसी में भेदभाव किया गया? आज हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अमन चैन और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, ये बताइए साथियों। बिहार के अंदर अमन चैन और मोहब्बत रह रहे हैं, आप मुझे बताइए। मुझे तो ये भी याद है कि जब भागलपुर में एक मामला हुआ था, केंद्रीय में मंत्री थे, एक उनका बच्चा तलवार लेके निकल गया भागलपुर में, किसने रेस्क्यू कराई? साथियों बताइए मुझे, कई जगह यहाँ पे हादसे होते हैं, चाहे बड़ी के अंदर हुआ हो, क्यूटी बगल में ही आपके साथियों, लेकिन नीतीश कुमार जी ने हमेशा कहा है कोई भी कॉम्प्रोमाइज, अगर अमन चैन की बात होगी, मोहब्बत के अंदर कोई भी टकराव पैदा होगा, तो नीतीश कुमार पहले आकर के लड़ने का काम करेगा, पीछे नहीं हटेगा। साथियों, मैं यहाँ पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप देख लीजिए इतिहास उठा करके, आज एक सेंटर मैंने खुलवाया है क्योटी बगल में, साथियों असरा गांव चले जाइए, आज एक अल्पसंख्यक छात्रावास बन रहा है। साथियों, 56 करोड़ रुपए का एक अल्पसंख्यक छात्रावास बन रहा है, वहां पर 750 बच्चे बच्चियां मुफ्त खाना पीना रहना होगा उनका, उनकी पढ़ाई होगी वहां पे, और एक जिला में एक स्कूल खुलेगा, 3800 जिला से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2000 करोड़ रुपए सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों के लिए, बच्चे बच्चों के लिए इस सरकार ने इंतजाम किया है। साथियों, निकाल लीजिए इतिहास, कितना पैसा आपको मिला है? बिहार के अंदर सिर्फ अल्पसंख्यक का बजट 200 करोड़ रुपए होता था, आज अल्पसंख्यक का बजट, माइनॉरिटी का बजट 1000 करोड़ रुपए है। साथियों, 1000 करोड़ रुपए, आज टीचर और मदरसा के टीचर की सैलरी कितनी है? पहले 1500-1800 रुपए होती थी, आज कितनी बताइए? 25 से 30 हजार रुपए है। साथियों, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन आज सही माने में, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, ये सही है अलायंस और ये क्या होता, कौन किस पार्टी से जुड़ा हुआ, उसकी बात मैं नहीं करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में किसकी सरकार चल रही है ये भी आप जानते हैं, कश्मीर में किसकी सरकार चली ये भी आप जानते हैं, किसके साथ, क्या कांग्रेस का गठबंधन शिवसेना से नहीं है महाराष्ट्र में? बताइए मुझे, क्या कश्मीर में सरकार महबूबा मुफ्ती की सरकार किसके साथ चली थी ये भी आप याद कीजिए, तो क्या हुआ? लेकिन नीतीश जी ने हमेशा कभी भी धर्म निरपेक्षता
और कोई कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनका प्रिंसिपल रहा है हमेशा अमन चैन मोहब्बत बिहार के अंदर कायम है और जब तक वो रहेंगे कायम रहेगी। मैं कहना चाहता हूँ साथियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो आपने मौका दिया है, इंशाल्लाह जब तक हम हैं या अशरफ फातमी साहब हैं पूरे दरभंगा जिला के अंदर, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, डॉक्टर फराज फातमी और अशरफ फातमी आपकी हमेशा खिदमत करता है और हमेशा खिदमत करता रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अर्शी साहब का, आरजू साहब का, मुजफ्फर साहब का, उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का और जो मैंने बात कही है। अगर घर जाइए तो एक बार जरूर विचार कीजिएगा, जरूर सोचिएगा कि सही माने में अगर आपका कौन मुस्तकबिल आगे बढ़ाने वाला है और अगर थोड़ा भी अगर आपको एहसास होगा तो जरूर आने वाले कल में उस शख्स के साथ खड़े रहिएगा। वो जय हिंद जय भारत।